नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। जिस तरीके से रघुवर दास की अभी चुप्पी है और बाबूलाल मरांडी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की ये साजिश है कि एक नेता वो एक समय पर ही आगे करती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखियो महिमा, बिल्कुल, और जिस तरह से हम रघुवर दास की बात करते हैं, चाहे हम बाबूलाल मरांडी की बात करते हैं, दोनों ही बड़े सच्चे नेता हैं बीजेपी के झारखंड से, और दोनों ही सीएम रह चुके हैं झारखंड के, तो दोनों में कहीं ना कहीं जो प्रतिस्पर्धा है, जो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, वो तो दिखाई देती है साफ तौर पर। लेकिन हाँ, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि हो सकता है बीजेपी की प्लानिंग हो। देखिए, अगर ऐसे वक्त में जब बीजेपी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम तरह की, जिस तरह का हेमंत सरकार और उनकी पार्टी ने ये कहा कि बीजेपी जो है वो हेमंत सरकार को गिराना चाहती है, इसीलिए वो लगातार कांग्रेस विधायक को खरीद रही है, लगातार मीटिंग कर रही है और किसी भी लेवल पर जाकर किसी भी तरह से जाकर सत्ता हासिल करना चाहती है, और इस तरह की बातें कि लगातार जो हेमंत सरकार की तरफ से कही गई, वहीं इसका पलटवार जब किया गया तो बीजेपी के जो कद्दावर नेता कहे जाएंगे, यानी कि जो एक बड़े कद के नेता हैं, यानी कि बाबूलाल मरांडी, वही निकल कर सामने आते हैं और सारे मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो हेमंत सरकार है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करती हुई नजर आ रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ ही नहीं है। जिसको जो है हेमंत सरकार तिल का ताड़ बनाने की बात कर रही है, उसको कहीं ना कहीं एक अलग तरह से पेश कर रही है, इस तरह का कोई मुद्दा है ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा जो माहौल बना, और उसमें जब जिस तरह से उस हेमंत सरकार पर निशाना साधना था, यानी कि उनकी जो पलटवार करना था, उसको लेकर जिस तरह से रघुवर दास को कहीं ना कहीं सोचा जा रहा था कि वो ज़रूर निकल कर आएंगे, ज़रूर इस मामले पर बयान देंगे, लेकिन उनका ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। इवन कि अब तक कोई ऐसा बड़ा बयान उनका सामने नहीं आया जिसको लेकर कहीं ना कहीं मीडिया में हलचल होती है, मीडिया में उनके ऊपर बात की जाती। तो ये एक मुझे लगता है कि प्लानिंग के तहत नहीं, बल्कि एक दूसरे को से आगे निकलने की होड़ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ना खड़े होने का जो लगातार सिलसिला बना हुआ है उनका, वो अभी बदस्तूर जारी है। और यही वजह है कि चाहे मरांडी के ऊपर कोई मामला हो या रघुवर दास के ऊपर कोई मामला हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच हो सकता है कि सीएम पद की रेस को लेकर कहीं ना कहीं मुकाबला चल रहा हो। क्योंकि रघुवर दास की बात करें तो बीते सीएम थे वो, उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। वहीं अगर मरांडी की बात करें तो इस समय वो जो है जो बीजेपी का विधायक दल है उसके नेता हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि दोनों ही अपने अपने जो है पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, और सीएम पद की होल्ड में कहने के दोनों बने हुए हैं, इसीलिए दोनों के बीच इस तरह का कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। बिल्कुल, बीते दिनों दो मुद्दे बिल्कुल चरम पर थे, एक तो विधायक खरीद मामला और दूसरा जज की हत्या का मामला। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी जज की हत्या के मामले को लेकर, बढ़ते क्राइम को लेकर हेमंत सरकार को घेर रहे थे, और जो साजिश हुई है विधायक खरीद की साजिश हुई है उसे दबाना चाहते थे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भाजपा पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस साजिश को छुपाना चाह रही है? देखिए बिल्कुल महिमा, अगर मैं बात करूँ, वो आपने वही सही मुद्दा उठाया भी, क्योंकि जिस तरह से तमाम सारे जो चीज़ें हुई इस बीच, और लगातार जो है हेमंत सरकार के ऊपर बीजेपी बरसी है और लगातार कई तरह के आरोप लगाए हैं, चाहे क्राइम की बात करें या जिस तरह से राज्य में जो अशिक्षा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम और चीज़ें बढ़ रही हैं उसकी बात करें, चाहे अपहरण की बात करें, चाहे जिस तरह से और भी जो अपराध बढ़ रहे हैं उसकी बात करें, बीजेपी ने हर एक चीज़ को आंकड़ों के साथ पेश किया, और उन्होंने ये कहा है कि 18-20 महीने में हेमंत सरकार पूरी तरह से फेल रही है, कोई बड़ा उसका जो कहें कि काम नज़र आना चाहिए इस राज्य में, जिस तरह के उन्होंने दावे किए थे उससे एकदम उलट वो काम कर रहे हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को निराश कर रही हैं, यानी झारखंड की जनता है वो इससे बहुत परेशान है, क्योंकि जो उनसे वायदे किए गए थे उसमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये एक ऐसा मसला था, एक ऐसी बात थी जो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से उठाई गई, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात महिमा की इसमें भी हमें जो है रघुवर दास कहीं नज़र नहीं आया, उन्होंने कहीं भी खुलकर हेमंत सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा नहीं खोला, कहीं भी बड़े बयान नहीं दिए, बल्कि जो अगर बाबूलाल मरांडी की बात करें या दीपक प्रकाश जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वही कुछ बात कहते हुए नज़र आए, वही अपनी बात रखते हुए नजर आए, लेकिन इसमें रघुवर दास कहीं भी नज़र नहीं आए। तो साफ तौर पर दिखता है कि ये जो पूरा का पूरा अगर बात करें कि जिस तरह से बीजेपी जो है हेमंत सरकार से लोहा लेने की बात करे, लेकिन साथ में अगर ये बात भी किसी छुपी हुई नहीं कि उसके अंदर खाने की भी जो टसल है, यानी कि जो एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ है, यानी कि एक दूसरे से जो अलग अलग उनके रास्ते नज़र आ रहे हैं वो भी किसी छुपा हुआ नहीं, और लगातार रघुवर और बाबूलाल मरांडी के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो
बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अगर आपके ऊपर है तो सिर्फ आप ही बयान देंगे पार्टी, क्योंकि ऐसे वक्त में पार्टी को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। लेकिन रघुबर इस समय पूरी तरह नदारद नजर आ रहे हैं और लगातार बाबुलाल मरांडी के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने ही पूरी साजिश को रचा है कि किस तरह से हेमंत सरकार को गिराया जाए। तो क्या रघुवर दास ये मानते हैं दबे स्वर में कि हाँ ये बाकी मरांडी नहीं किया है और वो सीएम बनना चाहते हैं इसीलिए वो खामोश हैं? तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के अंदर खाने को भी कहीं ना कहीं जो है कई उसकी सच्चाई जो है बाहर लेकर आते हैं, लेकिन इस पे बीजेपी का स्टैंड क्या है ये तो खुद वो बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल का अगर माहौल देखें तो ऐसा लगता है साफ तौर पर कि बीजेपी के जो दोनों धुरंधर हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, या यूं कहें कि सीएम बनने की होड़ में वो दोनों लगे हुए हैं। बिल्कुल, भाजपा में भी आपसी होड़ देखने को अब मिल रही है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए ITP News।